Hello students, I am Naveen. Welcome to my YouTube channel Basic Maths on your tips. इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th चैप्टर 11 मेंसुरेशन ncert बुक क्वेश्चन नंबर 5. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है. डैनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ 15 मीटर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली. फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड. हाउ मेनी कैंस ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम. कह रहे हैं डैनियल पेंट करना चाहती है चारों दीवारों पर. एक क्यूबॉइडल हॉल है उसके पास, उसकी चारों दीवारों पर वो पेंट करना चाहती है और उस दीवार उसकी छत पर सीलिंग पर पेंट करना चाहती है. और उस दीवारों की मतलब उस जो रूम है उस रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है यहाँ पर. और वो कह रही है, ये बताया गया है क्वेश्चन में कि एक केन से मतलब जो पेंट की कैन है एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट हो जाता है. तो कितनी कैंस रिक्वायर होंगी मतलब कितनी कैंस उसको ज़रूरत पड़ेगी डैनियल को कि वो रूम को पेंट कर पाए, मतलब रूम की चारों दीवारों को वो पेंट कर पाए और साथ में रूम की छत को भी वो पेंट कर पाए. तो कितनी कैंस उसे चाहिए अगर एक कैन से वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया जो वो पेंट कर लेती है. तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में वो निकालेंगे कि एरिया कितना पेंट करना है. तो एरिया टू बी पेंटेड निकालेंगे पहले हम यहाँ पर. एरिया टू बी पेंटेड मतलब कितना एरिया जो है वो पेंट किया जाना है, वो हमने करना है एरिया फोर वॉल, क्योंकि चारों दीवारें जो हैं एरिया फोर वॉल हो गई. और साथ में हमें करना है एरिया ऑफ सीलिंग. ठीक है, तो इतना एरिया हमें पेंट करना है. तो सबसे पहले एरिया फोर वॉल में एरिया फोर वॉल का फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ सीलिंग का होता है L इंटू बी, क्योंकि सीलिंग रेक्टेंगुलर शेप में होगी तो L इंटू बी और फोर वॉल 2L प्लस बी इंटू एच होगा. अब देखिए हम यहाँ पर पुटअप करेंगे लेंथ ब्रेथ और हाइट जो भी है. हमारी लेंथ यहाँ पर देखिए 15 मीटर है प्लस ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है हमारी यहाँ 7 प्लस L इंटू बी मतलब यहाँ पर 15 इंटू में 10 तो 2. अब यहाँ पर हमें प्लस करके 25 इंटू में 7 ये आपका 150 आ जाएगा. ये आगे टोटल मल्टीप्लाई करा के 350 प्लस 150 तो इस हिसाब से हमारा जो एरिया आया है वो आया है 500 मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 500 मीटर स्क्वायर उसको पेंट करना है. अब यहाँ लिखेंगे कि एरिया पेंट बाय वन कैन, एक कैन से कितना एरिया पेंट हो रहा है 100 मीटर स्क्वायर पेंट हो रहा है. तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ कैंस का, मतलब कितनी कैंस लगेंगी हमें नहीं मालूम है तो वो हम उसे हम निकालने वाले हैं. तो देखिए जितनी भी नंबर ऑफ कैंस लगेंगी अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, मतलब कि एक में इतना पेंट हो रहा है तो उसमें कितना पेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल एरिया जितना पेंट होना है वो आ जाएगा. इट मीन्स हम नंबर ऑफ कैंस इनटू एरिया पेंट बाय ईच कैन इज इक्वल टू टोटल एरिया टू बी पेंटेड जो होगा वो इक्वल होगा. तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनेगा कि नंबर ऑफ कैंस निकालना है अगर हमें तो हमें एरिया टू बी पेंटेड ऊपर रखना होगा. ठीक है, और एरिया पेंट बाय ईच कैन वो हमें नीचे रखना होगा. तो अगर हम यहाँ देखें तो एरिया टू बी पेंटेड आ चुका है हमारे पास 500 और हर एक पेंट से कितना हो रहा है 100 तो ये दोनों जीरो से दो जीरो कट गई तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 5. इट मीन्स 5 कैंस की रिक्वायरमेंट होगी इस एरिया को पेंट करने के लिए. तो बहुत आसान क्वेश्चन था. तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में, तो देखते रहिए वीडियो.